नमस्कार, डायरेक्ट किचन से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रक्षाबंधन स्पेशल में मैं आप लोगों के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो आप घर में बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं गुलाब जामुन रेसिपी की ओर। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसमें 3/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। करीब 100 ग्राम मिल्क पाउडर है। 1/2 कप के करीब मैदा डालेंगे, मैदा करीब 60 ग्राम है। उसके बाद अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर और 2 टेबल स्पून के करीब घी डालेंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी को अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे और इसे हमें एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे कर इसे मिक्स करें। करीब 2-2 चम्मच कर आप इसमें दूध डालें। ध्यान रहे, मिल्क पाउडर को हमें गूंदना नहीं है, बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। डो रेडी हो चुकी है, हमें इसे ज़्यादा नहीं मसलना है। 1/4 कप दूध में ये लगभग 1 चम्मच दूध का यूज़ नहीं हुआ है। अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ देंगे। तब तक हम अब चाशनी बना लेते हैं। इधर गैस पर मैंने सॉसपैन चढ़ाया है। अब हम उसमें 2 कप चीनी डालेंगे और 2 कप पानी डालेंगे। दोनों की मात्रा बराबर लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें 2 इलायची को कूट कर डाल लेंगे, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके उबलने देंगे। 1 मिनट के बाद जब चीनी की चाशनी उबलने लगे तो 1/2 टीस्पून के करीब हम लेमन जूस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग 5 मिनट के लिए आप इसे उबलने दें। 5 मिनट के बाद अब हम चाशनी चेक कर लेते हैं। चाशनी में हमें तार नहीं बनानी है, बस थोड़ी चिपचिपी होनी चाहिए। 10 मिनट बाद गुलाब जामुन मिक्स को छोटी लोई तोड़कर हाथों में घी लगाकर लोई को अच्छे से गोल शेप में दे दें। ध्यान रहे, क्रैक बिल्कुल भी ना हो, इसे अच्छे से गोल करना है। 1 प्रकार मैं सारे गुलाब जामुन की बॉल्स बना लूँगी। मैंने गुलाब जामुन के सभी बॉल्स बना लिया है। फिर गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ाकर तेल डालकर गर्म होने दिया है। अब हम इसमें सभी बॉल्स को डालकर डीप फ्राई कर लेंगे। इस प्रकार हमें धीरे धीरे सभी बॉल्स को डाल लेना है। आप गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखें। गुलाब जामुन को हमें चम्मच की सहायता से पलटकर फ्राई करना है। आप धीरे धीरे इसे पलटें और चारों ओर घुमाकर इसे डीप फ्राई कर लें। गोल्डन ब्राउन होने तक मैं गुलाब जामुन को फ्राई कर रही हूँ। आपको जितना डार्क या लाइट पसंद हो, आप उतना गुलाब जामुन को फ्राई कर लें। गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं सारे गुलाब जामुन को निकाल लेती हूँ। एक बॉल में मैं इसे निकाल लूँगी।
ये देखिए होममेड गुलाब जामुन मिक्स रेडी है। अब हम इसमें बनाए हुए चाशनी को इसमें डाल देंगे और गुलाब जामुन को डिप करेंगे और इसे लगभग हमें 2 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है ताकि गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब करे। 2 घंटे के बाद गुलाब जामुन रेडी हो चुकी है और ये साइज में डबल हो चुकी है। ये बहुत ही जूसी बने हैं। मैं आपको इसे कट कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये अंदर से भी कितने जूसी हैं। पूरी चाशनी अंदर तक एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब आप बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।